हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ हमारा जो थर्ड चैप्टर, मतलब जो सेकेंड चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट, वो हुआ नहीं था हमारा, ठीक है। तो आज ये फाइनल थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, राइट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इस मैटर ऑफ द स्पियर थर्ड चैप्टर, ठीक है, इसका लास्ट वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लास बहुत आसान होने वाला है, बहुत समय आएगा आपको, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं इसमें कि सर ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये वाले जो आज मैं बताने वाला हूँ इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट मतलब पता नहीं होता, पढ़ा तो सब लेते हैं लेकिन क्या है मतलब एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमने पढ़ा है वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं आपको पूरा से पूरा समझा सकूँ। उससे पहले मैं आपसे बात करूँ, कल मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो मैंने आपसे क्या है कुछ एक टॉपिक लास्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा था कि जो कंसंट्रेशन निकालने का, परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था। दूसरा फॉर्मूला उसका यह है कंसंट्रेशन परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज कंसंट्रेशन बराबर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आपसे कहा गया फॉर एग्जाम्पल कि 50 ग्राम क्या लिया गया है, शुगर लिया गया है, ठीक है, 50 ग्राम शुगर और वाटर में मिक्स किया गया, तो जो सॉल्यूशन कितना तैयार हुआ है, सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा मान लो 300, क्या हुआ 300 ml, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो आप क्या करोगे, मास को ऊपर रखना है और वॉल्यूम को नीचे रखना है, तो आप परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो पता है कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, अच्छा इनटू में 100 में यहाँ लगा होता है बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 50 अपॉन सॉल्यूशन का जनरली वॉल्यूम कितना है 300 इंटू में 100, इसको कट करोगे आप, कट करेंगे जो आएगा हमारा 50 अपॉन में 3, ठीक है, और इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 3 × 3 16.6%, ये आपका क्या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट, बहुत ही इजी वे में। तो ये दो जनरली पेपर में भी आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन निकालने का देता है, तो नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी, आप देख सकते हो। पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, तो उसमें भी आप जाके देख लेना, उसका जो पहला फॉर्मूला था हमारा वो उसमें मैंने डाला है, उसका सेकंड फॉर्मूला वो इस वीडियो में रखा है। मैंने दोनों इसलिए ऐसा किया क्योंकि दोनों वीडियो को मैं लिंक करना चाह रहा था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे कि आप किस तरह से जो है एक वीडियो में देख सकते हो, ठीक है दोनों को। खैर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका मेन टॉपिक आज का, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सेपरेशन कैसे होता है, राइट। सेपरेशन का क्या मतलब है एक्चुअली, ठीक है, सेपरेशन का मतलब है कि किसी भी मिक्सचर में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर, उसको अलग कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, सेपरेशन बोलते हैं, मिक्सचर का सेपरेशन बोलते हैं, राइट। तो आज मैं पैक करने वाला हूं, बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला है हमारा फिल्ट्रेशन, पहला क्या है फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है क्या हमारा इवेपोरेशन, तीसरा है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन, चौथा है हमारा क्रोमैटोग्राफी, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये हमारे मेन प्रोसेस, ये मेन मेथड्स हैं मिक्सचर के सेपरेशन के, राइट। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये करके ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आई एम श्योर। पहले है फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फर्स्ट को क्लियर करता हूँ मैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। भाई देखो, फिल्ट्रेशन एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उस मिक्सचर को हम अलग करते हैं जिसके अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों जो एक सब्सटेंस यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट में मिक्स ना हो। लाइक वाटर में आपने सैंड या आपने सॉइल मिलाया है, तो वाटर में जो आपने सैंड या सॉइल मिलाया है वो मिक्स नहीं होता, वो घुलते नहीं उसके अंदर, डिजोल्व नहीं होते, तो उसको हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से। आप उसको क्या करोगे, जनरली फिल्टर कर लोगे, जो सॉलिड पार्ट होगा हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है हमारा वो क्या होगा, फिल्टर पेपर से नीचे हो जाएगा। इस तरह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल जनरली ऐसे मिक्सचर को के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए कर सकते हो जिसमें एक पार्ट क्या हो, सॉलिड हो, जो कि आराम से फिल्ट्रेट हो सके, ठीक है, फिल्टर हो सके। नेक्स्ट हमारा इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जनरली मिक्सचर का एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं, कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ऐसे मिक्सचर को अलग करते हैं जिस मिक्सचर में कम से कम एक सब्सटेंस ऐसा है जो इवेपोरेट हो सके, फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे एक इंक है, ठीक है, जैसे इंक है, तो इंक में क्या होता है डाई, इंक में क्या होता है डाई और कलर, इन दोनों का मिक्सचर होता है, इंक में क्या होता है डाई और कलर का मिक्सचर होता है। तो एक्चुअली क्या है, उसको अलग कैसे करेंगे,
देखो डाई जो है ना जनरली वो हमारा एक जनरली डाई जो होता है वो कलर का एक पाउडर है फॉर एग्जांपल, और जो हमारा जो उसमें वाटर मिला हुआ है उन दोनों को मिला करके क्या है इंक तैयार किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको इवेपोरेट करवा सकते हैं, जब उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर है जितना वाटर का अमाउंट है वो क्या होगा जनरली इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके अंदर का जो डाई है वो क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसको इवेपोरेशन की मदद से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन में अगर आपको कम से कम एक सब्सटेंस क्या होना चाहिए उसमें से इवेपोरेट कर सके, इवेपोरेट कर मतलब इवेपोरेशन के लायक हो उसमें कोई एक सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट है हमारा तभी उस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है क्रिस्टल्स के फॉर्म में किसी भी चीज को अलग करना, किसी भी सब्सटेंस को अलग करना। क्रिस्टल्स के फॉर्म में मतलब क्या होता है भाई, कोई एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसको हम किसी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं और क्या होता है उसको हीट करके, जनरली उसको हीट करके जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें से उसको क्रिस्टलाइज करके, यानी को उसको पहले गर्म करते हैं, सॉल्यूशन को गर्म करने के बाद उसमें क्या करते हैं उसको धीरे धीरे कूल डाउन होने देता है। जब कूल डाउन होता है वो तो अपने आप क्या होता है एक सॉलिड शेप जो है वो गेन कर लेता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स। और इस प्रोसेस का नाम क्या है क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी इम्प्योर सब्सटेंस, हम ऐसे कह सकते हैं किसी इम्प्योर सब्सटेंस से किसी प्योर सब्सटेंस का क्रिस्टल के फॉर्म में अलग करना, सेपरेट करना क्या कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा, राइट। इट्स ओके। उसके बाद हमारा क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी कैसा प्रोसेस है, क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कलर के मिक्सचर्स को अलग करते हैं, यानी कलर के मिक्सचर्स से डिफरेंट कलर को सेपरेट करते हैं। इसका एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या है, फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर कैसा लेना है, एक फिल्टर पेपर आपको इस तरह की स्ट्रिप काट लेनी है फिल्टर पेपर का। उसमें क्या करना है, पेंसिल से ऐसे आपको एक निशान लगाना है, ठीक है, पेंसिल से मार्क कर लेना है। और जब पेंसिल से आप मार्क करोगे यहाँ पर, आपके पास एक मतलब मिक्सचर कलर की क्या है मिक्सचर, उसमें सिर्फ एक ड्रॉप, सिर्फ ओनली वन ड्रॉप क्या करोगे इस पेंसिल के मार्क पे क्या करोगे आप ड्रॉप आउट करोगे। जैसे इस पेंसिल के मार्क पे आप ड्रॉप आउट करोगे एक ड्रॉप को इनके मिक्सचर को, क्या होगा इसको आप उठा के क्या करोगे ग्लास में डालोगे, किसमें ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास में डालोगे। और ग्लास में क्या है वाटर भरा हुआ है, और जो ये ग्लास है हमारा इसका पानी कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है यार, यहाँ तक आना चाहिए, राइट, यहाँ तक। जब ये यहाँ तक आया क्या होगा पता है, 10 मिनट आप इसको छोड़ देते हो, 10 मिनट छोड़ने के बाद क्या होगा इसके जो कलर है वो क्या होगा इसका सेपरेट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कलर के क्या है लेयर बनने शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर कितने लेयर्स जो है वो बन गए कलर के, राइट, कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चार कलर है, पिंक है, ग्रे है, ऑरेंज है, जो भी है, तो उनके क्या है लेयर बन जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है कितने सारे कलर्स प्रेजेंट है, और उसको आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्रोमैटोग्राफी, यानी कि कलर के मिक्सचर में से डिफरेंट कलर को अलग करने का एक प्रोसेस है, क्या क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जनरली जिसमें ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जिसमें कम से कम एक कॉन्स्टेंट उसका क्या हो सबलाइम कर सके। सबलाइम मतलब वो या तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सके या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सके, ऐसा अगर कोई मिक्सचर है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस का नाम क्या है सब्लिमेशन। जब हम ऐसे अलग करेंगे तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, उसका बेस्ट एग्जांपल है जनरली आप जैसे सॉल्ट और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का क्या है मिक्सचर है। आप इन दोनों मिक्सचर को क्या करो जनरली मिक्स करने के बाद अब जो उसे क्या करना अलग करना, राइट। अब देखो क्या है, सॉल्ट तो कभी जनरली सब्लाइम कर नहीं सकता बिकॉज वो सब्लाइम वो सब्लिमेशन उसका प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो इसमें है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इजिली जो है सब्लाइम कर जाता है, इजिली जो है वो सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं कैसा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक जनरली कोनिकल फ्लास्क लेना है, ठीक है, एक ऐसा फ्लास्क लेना है कोनिकल फ्लास्क, और उस पर क्या करना है एक चाइना डिश लेना है, उसमें इन दोनों का मिक्सचर लेना है, उसमें इन दोनों का क्या करना है मिक्सचर लेना है, किसका मिक्सचर लेना भाई अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है, और नीचे क्या करना है उसको हीट करना है, ठीक है, जब आप नीचे हीट करोगे, ठीक है, इसको नीचे हीट करोगे तो क्या होगा इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर में, अच्छा यहाँ पर क्या करना है आपको एक कॉर्क से टाइट कर देना है, कॉर्क लगा देना है यहाँ पर, कॉटन क्लॉथ से किसी चीज़ से भी कॉर्क लगा देना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना, जब आप इसको हीट करोगे नीचे से हल्का स्लोली हीट करोगे तो क्या होगा इसमें से जितने भी अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा धीरे धीरे सब्लाइम करना स्टार्ट होगा, और जब वो सब्लाइम करना स्टार्ट होगा तो वो वेपर बनेगा, और एग्जैक्टली वेपर बनने के बाद क्या ऊपर जाएगा तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क का जो ये वाला पार्ट होता है थोड़ा सा कूल होता है, ठीक है, ठंडा होता है। तो क्या होगा जब ये यहाँ पर आएगा तो अपने आप इसका जो जनरली सब्लाइम करके जो वेपर ऊपर जा रहा है वेपर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, और जब ठंडा होगा वो तो पता है क्या होगा इस यहाँ पर सॉलिड के फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या होगा यहाँ पर चिपक जाएगा, इसके क्या सरफेस में आके क्या होगा चिपक जाएगा, सॉलिड बन रहा है, यानी कि फौरन फिर से गैस से क्या बन जाएगा सॉलिड, यानी कि सब्लाइम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
तो जब ये चिपक जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये प्रोसेस खत्म होगा पूरा सप्लाई कर जाएगा, फिर हम इसको कोनिकल फ्लास्क को हटा करके यहाँ से इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सॉल्ट तो इसी में रह गया और जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है ऊपर सप्लाई होकर के वो सेपरेट आउट हो गया। इस तरह से हम जनरली सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सचर को अलग करने के लिए। कैसे मिक्सचर को, कम से कम उसमें से एक जो पार्टिकल है, एक जो सब्सटेंस है, वो आराम से क्या होना चाहिए, सब्लाइम करना चाहिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सब्सटेंस को हम अलग करते हैं जिसमें कम से कम डेंसिटी की अकॉर्डिंग, क्योंकि एक की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, एक की डेंसिटी जनरली कम होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्रीम है, क्रीम को हम मिल्क से अलग करते हैं किस, तो क्रीम जनरली उसकी डेंसिटी ज्यादा है और क्रीम जो मिल्क के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर अमाउंट होता है, जनरली उसकी डेंसिटी कम होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक मशीन आता है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज को रोटेट किया जाता है उसके अंदर मिल्क को डाल के तो रोटेट किया जाता है। जब रोटेट करते हैं बहुत तेज से तो क्या होता है, जो क्रीम है वो जनरली हाई डेंसिटी की वजह से नीचे बैठ जाती है और जो वाटर है वो लो डेंसिटी वजह से ऊपर ऊपर हो जाता है। तो हम वाटर को अलग करके और क्रीम को हम निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है। इसका यूज जनरली हम वॉशिंग मशीन में भी देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर जो ड्रायर होता है, ड्रायर के अंदर जो क्लॉथ डालते हैं हम लोग वेट क्लॉथ, तो क्या होता है वो घूमता है, घूमने के बाद क्या होता है, जितने जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, कपड़े जो होते हैं उनकी डेंसिटी जनरली वाटर की डेंसिटी से कम है, तो कपड़े तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो उसका वाटर है वो चारों तरफ क्या होता है, घूम करके वो बाहर हो जाता है, यानी कि वहां से सेपरेट आउट हो जाता है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे। सब मैं एक बेस बता रहा हूँ जिस बेस पे उसको अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या बेस बताया मैंने आपको, डेंसिटी। पहले एक बार और बता दूं, फिल्ट्रेशन में क्या बताया मैंने आपको, इसमें से कम एक सॉलिड होना चाहिए और दूसरा लिक्विड होना चाहिए ताकि फिल्टर हो सके। दूसरा इवेपोरेशन, कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए उसमें, इवेपोरेशन करने के लायक हो, तभी हम इस प्रोसेस का यूज करेंगे। तीसरा हमारा क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक ऐसा सब्सटेंस में होना चाहिए जो क्रिस्टल बनने के जनरली काबिल हो, क्रिस्टल बन सके, यानी कि क्रिस्टल बनने की एबिलिटी उसके अंदर हो। नेक्स्ट हमारा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम किसको अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने क्या किया कि बहुत सारे कलर के पैटर्न्स होने चाहिए, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कलर होने चाहिए। किस बेस पे करते हैं कि इसको हम जनरली इसके अलग अलग क्या कहते हैं, सेपरेशन के बेसिस पर, अलग अलग जनरली कैटेगराइज यानी कि लेयर बनने के बेस पे, कौन पहले लेयर बनाता है, कौन उसके बाद बनाता है, कौन उसके बाद बनाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का बेस क्या है, सब्लिमेशन का मतलब कोई एक सब्सटेंस ऐसा हो मिक्सचर के अंदर जो सब्लाइम कर सके, जो जनरली डायरेक्टली गैस से सॉलिड या फिर सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो गैस बन सके, तब हम उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन को मैंने आपको बता ही दिया है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग है कि डेंसिटी हाई होगा तो वो जनरली हाई लो डेंसिटी के बीच में जनरली उसका यूज करते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसमें डेंसिटी हाई और लो, हम उसमें क्या करेंगे, जो हाई डेंसिटी वाला होगा वो बाहर निकल जाएगा, लो डेंसिटी उसी के अंदर रह जाएगा, इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मिक्सचर को। नेक्स्ट हमारा सेपरेटिंग फनल, ठीक है। सेपरेटिंग फनल क्या है, सेपरेटिंग फनल एक ऐसा प्रोसेस है, ना सुनो जरा प्लीज, सेपरेटिंग फनल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ऐसे जनरली मिक्सचर को अलग करते हैं जो इमिसिबल हो। इमिसिबल वर्ड का मतलब होता है जो मिक्स ना हो सके। इमिसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मिक्स ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को क्या करते हैं हम जनरली इस प्रोसेस से अलग करते हैं। आपको पता है कि जो ऑयल है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो सॉल्युबल नहीं होता, वो घुल नहीं सकता, दैट इज व्हाई वी कैन सेपरेट क्या कहते हैं ऑयल एंड वाटर बाय दिस प्रोसेस, ठीक है, बाय दिस मेथड। कौन है, सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या होता है, जैसे कंटेनर लिया हमने उसमें और उस कंटेनर को लेकर के कुछ इस तरह का कंटेनर होता है, जनरली कुछ इस तरह का कंटेनर लिया हमने और क्या किया, यहाँ पर हमने एक कॉर्क लगा दिया है, ठीक है, टाइट कर दिया यहाँ पर हमने, और इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने ले लिया हमने ऑयल और वाटर का मिश्रण। मान लो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, ये क्या है, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला वाटर वाला पार्ट है, और जनरली इसके बाद ये वाटर वाला पार्ट है, और इसके बाद जो पार्ट है वो क्या है हमारा, इसके बाद जो पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा ऑयल है, क्या है, ऑयल है। अब देखो ऑयल तो वाटर के ऊपर होता है भाई, वो तो मिक्स होता नहीं, इमिसिबल है, तो क्या होगा, जैसे हम इस कॉक को यहाँ से हटाएंगे, क्या होगा, नीचे से वाटर करना स्टार्ट, यानी कि वाटर निकलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये पूरा वाटर खाली, यानी कि जब ये वाला सरफेस जब ये यहाँ पहुंचे, नीचे आते 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 जब यहाँ पहुंचेगा, वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉक से इसको टाइट कर देंगे, तो वाटर सारा निकल जाएगा, ऊपर ऊपर क्या रह जाएगा, हमारा ऑयल रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये था हमारा ऑयल एंड वाटर सेपरेशन, जो हम किस मेथड का यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। एक और मेथड है जनरली, उसका नाम है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये भी मैं आपको बताई हूँ, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। हम इस मेथड में उस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे
जो जनरली एक दूसरे में मिसेबल, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो सके, इमिसेबल मिक्सचर को हम इससे अलग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर है, ठीक है, एयर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है उन गैसेस को हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। अब उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, कंडीशन क्या है भाई कि उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो उनके बीच कम से कम, उनके बीच कम से कम क्या होना चाहिए, 25 केल्विन टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, राइट। बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जिस तभी आप जा करके इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल आपको बेस्ट पता है, एयर के डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेपरेटिंग, वो सॉरी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो इसका ये सारे प्रोसेस, ये सारे मेथड्स पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और सेपरेशन लोगों को, बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, दैट इज़ व्हाई मैंने इतने एक्सप्लेनेशन के साथ इसको मेरे लिए आप लोगों को बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर इस पर कोई डाउट हो कुछ और ब्रीफ और जनरली और इसको डीप जाना हो आपको, डीप समझना हो आपको बहुत ज़्यादा, या आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या परेशानी है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। और जनरली आप लोग बहुत सारे जनरली डाउट्स आ रहे हैं कि सर पढ़ाई में जनरली आजकल क्या है, लॉकडाउन है, पता नहीं चल रहा लोगों को, और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। मैं लिंक दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि 10th क्लास की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, हमें 10th स्टैंडर्ड कैसे शुरू करना चाहिए, हमें कैसे उसमें कैसे जनरली इनिशिएट करना चाहिए उसको, और कैसे उसमें हमें उसमें लगे रहना चाहिए, कैसे कंटिन्यू बने रहना है उसमें, उस पर मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा। एंड दिस चैप्टर, यानी कि चैप्टर 2 है हमारा, इस मैटर ऑन द स्पीयर, ये आपका आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आप इन तीनों वीडियो, जो लास्ट हमारे 2 वीडियोज और ये तीसरा वीडियो हमारा, इसमें आप तीनों एक चैप्टर, यानी चैप्टर 2 को पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो, ठीक है। सारा लिंक मैं आपके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे टाइम टू टाइम, और अब इस तरह से वीडियो एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।